दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम आलेखन कहते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में प्रायः विभिन्न प्रकार के आंकड़े सुनने और पढ़ने में आते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार इतना करोड़ थी, या कुछ इस तरह का हो। इतने भारत के कितने प्रतिशत लोग खेती करते हैं, कितने भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, इस तरह से हमें बहुत सारे आंकड़े निकालने रहते हैं। तो हम इन आंकड़ों को, इनको जिस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि ये आरेख है। और इस आरेख को हम कई प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे चित्रारेख हो, पिक्टोग्राफ हो, आवास, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इस वीडियो में हम दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। दंड आरेख को बार डायग्राम इंग्लिश में कहा जाता है। तो दंड आरेख क्या है, इसके पहले आपने ये पढ़ा कि और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, लेकिन वे असुविधाजनक होते हैं, इसलिए दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। तो दंड आरेख किसे कहा जाता है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जाने वाले चित्रीय निरूपण को दंड आरेख, या इसे बार डायग्राम या दंड आलेख या बार ग्राफ कहा जाता है। सावधानियां, पहली सावधानी यह है कि दंड आरेख विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। दूसरी सावधानी ये है, ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे कि आकार न तो बहुत बड़ा हो और न ही इतना छोटा हो कि चित्र को स्पष्ट रूप से देखने के लिए असुविधा हो, ऐसा चित्र नहीं लेना चाहिए। तीसरा है कि सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। चौथा है कि दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए। दंड आरेख हम कैसे खींचेंगे, दंड आरेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, दंड आरेख को कैसे खींचा जाता है, तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा इसमें चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि दंड आरेख कैसे खींचा जाएगा। तो दंड आरेख कैसे खींचेंगे, चलिए एक एग्जांपल्स के तहत हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाना है। देख रहे हैं, प्रश्न में लिखा गया है प्रिया को 500 नंबर, अमित को 350 अंक, अंश को 260 अंक, रिया को 400 अंक, हर्ष को 550 अंक और मन को 575 अंक मिले हैं। अब इनको हमें बार ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, तो बार ग्राफ खींचने के लिए देखिए हमें करना क्या है, सरल रेखा खींचेंगे इस तरह से एक सरल रेखा खींच करके इस पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। दोनों के बीच का कोण 90 अंश का होगा। जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हम प्राप्तांक देख रहे हैं, प्राप्तांक लिखा गया है। तो प्राप्तांक कहाँ तक है और पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक आपको मालूम है, पूर्णांक 600 है। तो आप इसको पहले देखिए, इस पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 100, 200 और 300, 400, 500 और 600, इस तरह से इसको हम देख रहे हैं, ऐसे इसको इस तरह से बांट दिए हैं 600 तक। बांटने के बाद अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि प्रिया का प्राप्तांक, प्रिया कितने अंक पा रही है, तो प्रिया पा रही है 500 अंक। तो आप क्या करेंगे, आप अब इस पर
आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ के लिए आपको एक पैमाना लेना है और विषय वस्तु को आपको लिखना है। विषय वस्तु आप किस लिए ग्राफ बना रहे हैं तो और लिखेंगे। इसके बाद आप जो पैमाना लेंगे, पैमाना आपको लिखना होगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि सभी दंडों की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए और सभी दंड समान दूरी पर हों, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान देना है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आप नंबर लिए हैं, नंबर कितने पर है, एक देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर पर 100 अंक हैं। तो आप इस पर पहले यहाँ लिख देंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 100 अंक। तो 1 सेंटीमीटर पर आपके 100 अंक हो गए। तीसरा आप इसको लिखेंगे, इसके बाद अब आपको ग्राफ बनाना है। तो जैसे ग्राफ अब आपको बनाना है, पहला ग्राफ है कि प्रिया प्रिया 500 नंबर पा रही 600 में, तो आपको क्या करना है 500 तक इसको इस तरह से ऐसा ग्राफ एक बना देंगे और ऊपर यहाँ पर लिख देंगे प्रिया। इसके बाद देखिए अमित के लिए, आप अमित के लिए भी इस तरह से बनाएंगे। अमित देख रहे हैं, अमित 350 नंबर पा रहे हैं, तो अमित के लिए इस तरह से आप एक ग्राफ बना देंगे। इसी तरह से अंश के लिए, अंश देख रहे हैं 260 अंक पा रहे हैं, तो इनके लिए इस तरह से 260 अंक का बना देंगे। और रिया देख रहे हैं, रिया 400 अंक पा रही हैं, तो आप रिया के लिए इस तरह से ग्राफ बना देंगे 400 पर इस तरह से बना करके। और इसके बाद आपको हर्ष के लिए भी बना लेंगे, देख रहे हैं हर्ष, हर्ष 500, हर्ष 550 नंबर पा रहे हैं, तो 550 नंबर पर आप बना देंगे। और इसके बाद देखिए मन 575 अंक पा रहे हैं, तो इसलिए आपने मन मन का 575 अंक का इस तरह से ग्राफ बना दिया गया। तो इस तरह से आपने सभी ग्राफ को बना लिया। और आप देख रहे हैं ग्राफ में विशेषता क्या है, विशेषता एक देख रहे हैं सभी की चौड़ाई एक समान है। आपको जो भी लेना है, जो भी चौड़ाई लेना है, सबके लिए लेना है। और दूसरा चीज़ देख रहे हैं कि सबके बीच में दूरी बराबर है, देख रहे हैं इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, सबके बीच में दूरी बराबर है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे आप अंश यहाँ लिख दिए हैं, अमित यहाँ लिख दिए हैं, रिया यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर अमित है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमित, यहाँ भी लिख देंगे, तब यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर जैसे अंश लिख देते हैं तो अंश हो गया। इसी तरह से आप सभी नामों को लिख सकते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक जो समांतर रेखा खींची, जो पड़ी रेखा है, इस पर देख रहे हैं विद्यार्थी लिखा गया है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पर देखिए जो खड़ी रेखा खींची गई, इस पर लिखा गया प्राप्तांक। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।